नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें इस एक वीडियो में शामिल की गई हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और अगर आप लोग भी उनके समर्थन में हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के दिल्ली में मौजूद ऑफिस में लगी है आग। 3 फायर ब्रिगेड पहुंची हैं। बताते चलें, पहले यहां पर गृह मंत्रालय में आग लगी थी, उसके बाद में इनकम टैक्स ऑफिस में और अब बीजेपी के ऑफिस में लगी है आग। लोगों का कहना है कि सबसे बड़े एग्जिट पोल तो यही है, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आग लग गई। पहले यहां पर आयकर कार्यालय और अब भाजपा कार्यालय, वे लगातार सबूत नष्ट कर रहे हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, ऐसा यहां पर दावा भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होने वाला होता है तब ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है और वही अब देखने को मिल भी रही है। ये यहां पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलने लगे हैं। आप लोगों के अनुसार 24 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में हां या ना में जरूर ही अपनी राय बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले 2014 और 2019 में मोदी के लिए वोट मांगने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगी है उद्धव ठाकरे ने। 2014-2019 में बीजेपी के साथ में थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब अपनी गलती का एहसास उनको हो गया है, अब जनता से माफी भी मांग ली है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का कहना है कि 5 जून को बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, मोदी पूर्व पीएम हो जाएंगे। ये भी बेहद ही बड़ा दावा किया है। बताते चले, इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि जनता की सहानुभूति उनके साथ में पूरी तरह से है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर एक प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इसके साथ ही एक और बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताते चलें, ईडी को लगा है सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से बेहद ही बड़ा झटका केजरीवाल के मामले में। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। सॉलिसिटर ने कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि ऐसा केजरीवाल सोचते होंगे, हम इस मसले पर नहीं जाएंगे, हम इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है। देख सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर थी, जब से केजरीवाल ने यह बयान दिया है कि अगर आप झाड़ू का बटन दबाएंगे तो केजरीवाल को जेल नहीं जाने पड़ेगा। और वही अब भाषा देख सकते हैं कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है बीजेपी की भाषा। बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। सातों ही सीटों पर दिल्ली के अंदर बीजेपी की स्थिति और भी खराब हो गई है, जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों लगातार यहां पर एक के बाद एक यहां पर कई चुनावी विश्लेषण जो हो रहे हैं उसको लेकर के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। कई जगहों पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बहुमत से यहां पर कुछ सीटें आगे रहेगी। सट्टा बाजार का कहना है कि बीजेपी बहुमत के आसपास रह सकती है, लेकिन वहीं कई लोगों का कहना है कि बीजेपी बहुमत से काफी दूर रहेगी। इसी क्रम में खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी
बीजेपी बहुमत खो देगी और एनडीए भी 272 से पीछे रह जाएगा। मुझे बीजेपी 220 के आसपास दिख रही है, ऐसा ही कुछ दावा यहां पर केजरीवाल ने भी किया है। वे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में सीटें खो रहे हैं, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। परकला प्रभाकर जाने माने अर्थशास्त्री हैं और यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार 4 जून को नहीं बनेगी किसी भी कीमत पर, बीजेपी बहुमत से काफी सीटें पीछे रहने वाली है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों के अनुसार यहां पर किस गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है, इंडिया या फिर एनडीए। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने यहां पर चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है। मामला क्या कुछ है बताते चले। 4 चरणों का चुनाव हो गया है लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि कुल कितने मतदाताओं ने किस किस लोकसभा में कितना मतदान किया है। बस प्रतिशत बढ़ता जा रहा है लेकिन आंकड़े गायब हैं। यहाँ ईवीएम नहीं, पूरा चुनाव आयोग ही है। कहे आखिर माजरा क्या है ये। यहाँ पर श्रीनिवास बीबी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों इसके साथ ही राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का पड़ा बयान। कपिल सिब्बल बोले 400 सीटें जीत करके पीओके लाने वाले देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ये भी बताएं कि वो 4000 किलोमीटर वापस कब ला रहे हैं जो चीन ने छीन लिया है, उस पर भी बोलना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से अमित शाह को निशाने पर ले लिया है कपिल सिब्बल ने। महाराष्ट्र से खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें जिस इलाके में होर्डिंग गिरने से मौतें हुई वहां पर रोड शो करना अमानवीय है। संजय राउत का पीएम मोदी पर सीधा हमला। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई के उसी इलाके में रोड शो करना अमानवीय है जहां पर होर्डिंग गिरने की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा है कि घाटकोपर पश्चिम से घाटकोपर पूर्व तक प्रधानमंत्री के रोड शो के कारण यहां पर सड़कें और कई मेट्रो रेल सेवाएं यहां पर पूरी तरह से बंद रही हैं, जनता इससे प्रभावित हुई है। ये यहां पर संजय राउत ने पीएम मोदी को घेरा है पूरे मामले पर। इसके साथ ही राहुल गांधी ने किया ट्वीट और बोले अपने एक वोट की ताकत को समझिए, देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा आपका एक वोट। 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों की भर्ती का काम शुरू करवाएगा आपका एक वोट। 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए महीने खटाखट पहुंचाएगा आपका एक वोट। युवाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पहली नौकरी दिलवाएगा आपका एक वोट। आपको अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगा आपका एक वोट। अपनी सरकार चुनने का अधिकार सुनिश्चित कर यहां पर लोकतंत्र को बचाएगा आपका एक वोट। वंचितों के हक, भागीदारी और आरक्षण की रक्षा करेगा आपका एक वोट। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार कायम रखेगा आपका एक वोट। इंडिया को दिया आपका हर वोट, मजबूत लोकतंत्र और सशक्त नागरिक बनाएगा। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं राहुल गांधी ने। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने कहा अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह भाजपा सरकार के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मात्रा को 2 गुना कर देगा, यानी कि 5 किलो अभी मिलता है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो 10 किलो राशन मुफ्त में मिलेगा। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।